अभी मेरा ड्राई मंचूरियन बनके रेडी हो गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई मंचूरियन। तो मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर आटा, मैदा और पत्ता गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने लिया है सोया सॉस, ग्रीन चिली, रेड चिली, टमाटो सॉस और मैंने प्याज को बड़े टुकड़े में काट लिया है और मैंने हरा कांदा लिया है और मैंने लहसुन को थोड़ा सा बड़े टुकड़े में काटा है, हरी मिर्ची और शिमला लिया है। अभी मैं बाउल में ले रही हूँ पत्ता गोभी जो मैंने कद्दूकस किया है और उसका पानी थोड़ा निकाल दिया है, ज़्यादा नहीं निकाला है। और मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा और कॉर्नफ्लावर। और मैं भी थोड़ा सा हल्दी ले रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, नमक और मैंने लिया है अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट और अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि पत्ता गोभी में पानी रहता है, इसके लिए पानी नहीं ऐड करना है। और अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर आटा और मैदा आप ले सकते हो क्योंकि इसका बेस थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। नहीं तो बाद में नमक रहता है इसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ हाथ में और अभी इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाऊंगी अपने हिसाब से। आपको छोटा बड़ा जैसा चाहिए बना सकते हो। अभी मैं सारे ऐसे मंचूरियन बना लूँगी। आप इसको भजिए की तरह तल भी सकते हो और मैं भी बना के रेडी हो गया है और इसको भी तेल लिया है, थोड़ा सा तेल गरम हो जाएगा और अभी तेल गरम हो गया है। मैं भी मंचूरियन तल लूँगी। मैंने भी गैस को फास्ट किया है। ऐसे सारे मैंने डाल दिए हैं मंचूरियन। और भी मंचूरियन मेरा हल्का सा ब्राउन हो रहा है और मैं भी इसको थोड़ा सा और फ्राई करूंगी और मैं भी इसको निकाल लूंगी, थोड़ा सा और हल्का सा ब्राउन हो जाए। और मैं भी इसको निकाल लेती हूँ, इसको अच्छे से भी नहीं पकाना है। इसलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में।
और मैंने अभी दूसरा तल रही हूँ जो बचे हुए थे। और सभी को मैं एक साथ तल रही हूँ वापस। इसे कुरकुरे बनते हैं मंचूरियन, इसके लिए मैंने दोबारा डाला है। अभी मैं इसको डार्क ब्राउन तलूंगी। और मैं इसको भी निकाल लूंगी प्लेट में। अच्छे से पक गया है और मैं उसी कढ़ाई में तेल ले रही हूँ। लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में अच्छा बनता है ड्राई मंचूरियन और स्वाद भी अच्छा आता है। मैंने इसमें बारीक कटे हुए लहसुन डाल रही हूँ और हरी मिर्ची, प्याज बड़े टुकड़े में लिया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाना है। मीडियम आंच पे थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होगा, ज़्यादा नहीं। और मैं भी शिमला मिर्च ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा कच्चा रहता है तो खाने में अच्छा लगता है। और मैं इसमें थोड़ा सा नमक लिया है। और मैं भी सॉस ले रही हूँ टमाटो। और मैं ग्रीन चिली ले रही हूँ, रेड चिली, और सोया सॉस ले रही हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा भाजी में सब मिक्स हो जाएगा। और मैं इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला है। थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है। और मैंने बारीक कटा हुआ हरा प्याज डाला है, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये भी थोड़ा सा पक जाए। मैंने थोड़ा सा रेड चिली का थोड़ा सा जूस बचा था उसको मैंने डाल दिया है पानी ऐड करके। इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। और मैं इसमें थोड़ा सा भी पानी इसमें ऐड करूँगी और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, मैंने इसको पानी के साथ मिक्स कर लिया है, उसको भी डाल दिया है। इससे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ग्रेवी इसकी, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। और थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। मैं
मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, ये थोड़ा सा पतला हो गया है। बस इसको थोड़ा सा 2 मिनट ऐसे पका लूँगी, उसके बाद में सारे मंचूरियन डाल दूँगी। मैंने मंचूरियन थोड़ा बड़ा बनाया है और अभी मैं अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर दे रही हूँ। जिससे सारे मंचूरियन में ग्रेवी अच्छे से घुल जाए और मैं इसमें हरे प्याज की पत्तियाँ ले रही हूँ। अभी मेरा ड्राई मंचूरियन बनके रेडी हो गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।